नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक न्यू मोबाइल माइनिंग के बारे में, जिसके बारे में मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। तो आप लोग को ये वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं Airbnb क्वाइन की, ठीक है। Airbnb एक बेसिकली मोबाइल बेस ही, ठीक है, मोबाइल बेस ही माइनिंग है। एक्चुअली में माइनिंग होता नहीं है यहाँ पे, आपको मोबाइल माइनिंग के जरिए ही आपको यहाँ पे बाई करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, ये एक न्यू इरा ऑफ करेंसी का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकदम अर्ली है, ठीक है। अभी आपको इसमें अधिक जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअल में होता क्या है, जब न्यू कॉइन आते हैं तो हमको खुद भी नहीं मालूम रहता है कि वो स्कैम है या फिर लेजिट है, ठीक है। जब 1 मंथ या फिर 2 मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मालूम चलता है कि ये स्कैम था या फिर लेजिट था। तो ये आपका जो Airbnb कॉइन है, ये बेसिकली जो है अभी हाल ही में आया हुआ है, किसी को भी नहीं मालूम है ये लेजिट है या स्कैम है। लेकिन इनका वाइट पेपर अवेलेबल है, आप लोग इनका वाइट पेपर रीड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद ही इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करिएगा। और इसमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 या 3 TRX ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैक्सिमम आप 10 TRX यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कि मिनिमम जो है 100 रुपीज़ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उससे अधिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं न्यू इरा ऑफ करेंसी, जो कि नाम है Airbnb कॉइन। तो देखिए, एक्चुअल में क्या है कि ये कॉइन जो है लगातार ये बर्निंग होगा, और इसकी सप्लाई क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक समय आएगा कि इस कॉइन की कीमत काफ़ी अधिक हो जाएगी। ये लोग इस कीमत से, मतलब कि इस कंसेप्ट को लेकर चले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, या जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक के जरिए जाएंगे, ठीक है। और आप Airbnb कॉइन वैलेट, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रंट फेस खुलेगा न्यू इरा ऑफ करेंसी का। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल लिखेगा, ठीक है। तो आप तो अभी लॉगिन किए नहीं हैं, तो आपको नीचे मिलेगा डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको रेफरल में क्या करना है, रेफरल में आपको टिकी UTM कैपिटल में टिकी UTM आपको डालना है, ठीक है। अपना यहाँ पर यूजर नेम आप डालिएगा, ठीक है। यूजर नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा याद कीजिएगा कि मतलब कि जो आपको याद रहे। फर्स्ट नेम में आपको अपना रियल नेम डालिएगा, ठीक है, और लास्ट नेम में, ठीक है, वही जो आपका लास्ट नेम है। फिर अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिएगा, जो ऐसा ईमेल एड्रेस डालिएगा जिसमें आपका OTP आ सके। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा, पासवर्ड ऐसा डालिएगा जो हमेशा आपको याद रहे। फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से ऐप्स ओपन होगा, और ऐप्स जैसे ही ओपन होगा तो टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ईमेल। अब फ्रेंड्स, आप क्या करना है, 1 by 1 करके आपको टेलीग्राम को ओपन करना है। टेलीग्राम को ओपन करके वहाँ पे जो इनका Airbnb का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद दोबारा फिर आएंगे, वहाँ पे यूट्यूब को ओपन करना है, ठीक है। यूट्यूब पे इनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर फेसबुक अपना ओपन करना है, और इनके फेसबुक पेज को लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना है। फिर सेम चीज़ यही, ईमेल आपको अपना ओपन करना है, और ईमेल में एक OTP जाएगा, ठीक है। तो उस OTP को यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, ठीक है, इंटर OTP। तो इस OTP को इंटर कर दीजिएगा, और वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको ईमेल नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना है 5 to 10 मिनट, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास वहाँ पे OTP पहुँच जाएगा, और आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा कि हो सकता है कि आपका ईमेल स्कैम में चला जाए, ठीक है, स्पैम फोल्डर में चला जाए, या फिर जो है इंपॉर्टेंट फोल्डर में चला जाए, तो वहाँ पे भी आपको देख लेना है। हो सकता है स्पैम में या फिर इंपॉर्टेंट फोल्डर में आपका ये OTP पड़ा रहा। फिर उसके बाद फ्रेंड देखिए, इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, ग्रीन कलर का टिक का कलर आपको आ जाएगा, और फिर उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे क्या करा है, क्लेम नाउ, ठीक है, तो अर्न Airbnb बाय प्रूविंग योर प्रेजेंस डेली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लेम नाउ पे क्लिक करना है। एक्चुअल में क्या है ना, कि यहाँ पे जो आप टीम बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे टीम बनाने के बाद क्या होगा, आपको हर 3 घंटे के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप 3 घंटे के बाद आप अगर
क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है पेमेंट बनेगा, ठीक है, और पेमेंट आपका वो डॉलर के रूप में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको एबीएमबी कॉइन नहीं मिलने वाला है, आपको यहाँ पे यूएस डॉलर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए, जरा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनका सिस्टमेटिक ढंग से है। देखिए यहाँ पे इनका तीन प्लान है, फ्री, बेसिक और एडवांस प्लान है। तो फ्री में देखिए क्या है, अगर आप, ठीक है, 20 यूजर्स को, ठीक है, रिफर करते हैं, ठीक है, और आपके नीचे के भी सभी 20 लोग जो है 20 पर्सन को अगर रिफर करते हैं तो आपका जो मंथली जो रुपये आपका बनेगा $505 बनेगा। मतलब कि 20 आपने रिफ़र किया, उसके बाद आपके नीचे जितने भी लोग हैं सब लोग 20 लोग को रिफ़र कर दिए तो आपका $505 जो है हर मंथली यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर 30 आपने किसी को रिफ़र किया, ठीक है, आपने 30 लोग को रिफ़र कर दिया और वो लोग भी 30 लोग को अगर रिफ़र कर देंगे तो आपका जो है $50,275 बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर 40 पीपल को अगर आपने ज्वाइन करा दिया और वो भी 40 लोग जो है 40 अदद पीपल को, ठीक है, सब लोग 40 लोग को रिफ़र करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका देखिए कितना बन रहा है, 15,07,000। तो यहाँ पे आपका $157,538 आपको यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखिए, अगर आपने 40 और भी लोग को ज्वाइन कर दिया लेकिन तब आपका अगर मान लीजिए बेसिक अगर है तब आपका और भी अधिक, मतलब कि आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे एडवांस लेवल अगर आपका है, ठीक है, तो 40 लोग को अगर सब लोग ज्वाइन करते हैं 4 लेवल तक तो आपका जो है नियर अबाउंड 600,000 जो है यहाँ पे जो है अर्निंग बन जाएगा। लेकिन एडवांस लेवल में बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँच पाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोग केवल फ्री तक ही जो है सीमित रहेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद हमको देखना है कि हम किस तरीके से, ठीक है, एबीएनबी कॉइन को बाई करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग जो है, ठीक है, इस तरीके से अपना ऐप्स ओपन कर लीजिएगा। ऐप्स में आप जो है देखिए यहाँ पे अपना प्रोफाइल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे होम का वैलेट, प्रोफाइल, वीडियो, ठीक है, व्यू रेट चार्ट एंड व्यू बीएससी स्कैन, ठीक है, आपको इन सब क्या एक मतलब की लिस्ट मिलेगी। तो आपको व्यू बीएससी स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू बीएससी स्कैन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का एक, ठीक, कॉन्टैक्ट एड्रेस दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो आपको उसको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हम जो है ट्रस्ट वॉलेट में एबीएनबी एड्रेस को क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। कैसे पेस्ट करेंगे, जरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, कहीं पे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट देखिए ऊपर यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे निशान होगा ऊपर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्च टोकन पे क्लिक आएगा, तो सर्च टोकन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको वही जो कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किए हुए थे वही कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पे क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऐड कस्टम टोकन का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे ऐड कस्टम टोकन पे, ठीक है, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका नेटवर्क इथेरियम रहेगा, ठीक है, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है दोबारा। जैसे आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करके यहाँ पे स्मार्ट चेन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट चेन करने के बाद जो आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किया था अपने, ठीक है, वहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन में, ठीक है, तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका टोकन जो है ऑलरेडी दिख जाएगा, ठीक है, एडवांस बर्निंग एंड बाइंग कॉइन एबीएनबी एंड यहाँ पे डेसिमल आपका 18। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे टोकन ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ओपन करना है उस पे जो है, और यहाँ पे ये एड्रेस जो दिख रहा है, ठीक है, अपने ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है, उसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद क्या करना है, फिर आपको अपना जो है एबीएनबी कॉइन का, ठीक है ना, ऐप को ओपन करना है और प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एबीएनबी एड्रेस, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एबीएनबी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको आप जो प्रोफाइल ऑप्शन होगा
कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा इस तरीके से, लास्ट में यहाँ पे पहले आपका नहीं था लेकिन अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में ABNB कॉइन को ऐड कर पाएंगे। अब देखिए अब किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है क्रिप्टो करेंसी को। तो सपोज करिए फ्रेंड्स आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे, ठीक है, TRS ट्रोन कॉइन है, ठीक है, TRS अगर है तो TRS के जरिए आपको जो है यहाँ पे कैसे आपको ABNB कॉइन बाय करना है। तो सबसे पहले आपको TRS को यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, कहाँ, ऐप्स में, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है, कहाँ पे, आपके जो ABNB का जो ऐप्स है उस पर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 5 से 6 करेंसी यहाँ पर होंगी। इथेरियम रहेगा डिपॉजिट एड्रेस, ठीक है ना, BTC रहेगा, TRS रहेगा, BNB रहेगा और XRP रहेगा। तो आपको TRS डिपॉजिट एड्रेस पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे आपको एक एड्रेस दिखेगा और उस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और अपने बाइनेंस जहाँ पे आप विड्रा कर रहे हैं, ठीक है, बाइनेंस एड्रेस में वहाँ पर ले जाके आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद वहाँ पे सेम वही सेम पास करते हुए आपको वहाँ पे विड्रा कर देना है TRS कॉइन को। और इस तरीके से 1-2 घंटे के बाद, आप मान लीजिए आधे घंटे के बाद आपके अकाउंट में वॉलेट में जो है यहाँ पे TRS आ जाएगा। जैसे आपका TRS आएगा तो आपको यहाँ पे डॉलर में आपका मेन बैलेंस दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इतना होने के बाद फिर आपको अब क्या करना है, 1 या 2 आवर के बाद देखिए जरा यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट टू बाय, तो आपको रिक्वेस्ट टू बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट टू बाय पे क्लिक करेंगे तो देखिए जरा यहाँ पे रिक्वेस्ट टू बाय नाव पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट ABNB आपको एंटर करना है। याद रखिएगा आप केवल 1 या 2 ABNB कॉइन ही बाय कर सकते हैं, उससे अधिक आप बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यू हैव टू पे, जितना वहाँ पे होगा $ उतना आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट बाय नाव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बाय नाव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो नियर अबाउट 12 आवर के बाद, ठीक है, 12 से 13 घंटे के बाद, या फिर हो सकता है 24 आवर के बाद, 24 आवर के बाद देखिए आपको यहाँ पे अप्रूव ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर अप्रूव नहीं होगा तो वहाँ पे आपको पेंडिंग दिख जाएगा, ठीक है ना, जिसे हमारा अभी जो है पेंडिंग में है, ठीक है, यहाँ पे आपको अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से जो है ABNB क्या कर लेंगे, आपका बाय हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये पूरा होल प्रोसेस है कि आपको इस तरीके से ABNB कॉइन को बाय करना है। और अगर आपको सेल करना है तो देखिए सेल करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है, किस तरीके से आप जो है ABNB को सेल करेंगे। तो देखिए जरा आपको यहाँ पे बाइक के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा सेल ABNB, तो उस सेल ABNB पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटर ABNB करना है, कितना अमाउंट आप सेल करना चाहते हैं। उसके बाद एड्रेस आप सेंड कर दीजिए कि मतलब कि कौन सा एड्रेस, जो आप TRX का एड्रेस है, उसके बाद आप जो है क्लिक कर दीजिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा और आप इजली आपका जो है यहाँ पे TRX अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो है ABNB को बाई और सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिएगा कि ये आपका अभी जो है बिल्कुल भी न्यू क्रिप्टो करेंसी है, तो इसलिए थोड़ा जो है पेशेंस रखिएगा, ठीक है। हो सकता है ये लेजिट निकल जाए, और अगर लेजिट होता है तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।